देश में हर रोज लड़कियों के साथ हो रही अमानवीय व्यवहार की घटनाएं इस बात का एहसास कराती हैं कि अब उन दरिंदों को कड़ी से कड़ी सजा देने की जरूरत है जो गंदी निगाहों से हमारी बेटियों की तरफ देखते हैं और उनके साथ घिनौनी हरकत करते हैं, जिसकी सोच का दायरा लड़कियों के लिए हैवानियत से भरा है। अपनी माँ, बहन, बेटी, बहू को छोड़कर दूसरों की बेटी को बुरी नजर से घूरने और उन्हें ऊपर से नीचे तक निहारने की जैसे इन्हें खुली छूट मिली हो, इतना तक तो ठीक है, लेकिन इससे बढ़कर पशुओं की तरह व्यवहार और उनकी हत्या कर देना विकसित समाज की परिभाषा में कहां तक फिट बैठता है? छोटी छोटी बच्चियों से की गई क्रूरता क्या किसी भी धर्म, संप्रदाय या किसी भी समाज के लिए सही है? यह सुनकर जरूर हमारी नसें फूल जाती हैं, हम क्रोधित हो उठते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद सब सामान्य हो जाता है और फिर एक नई घटना सामने आ जाती है। लेकिन हमारे देश में एक राज्य ऐसा है जहां इन हैवानों को इनके किए की सजा जरूर मिलती है और वो राज्य है उत्तर प्रदेश, जहां के सीएम योगी आदित्यनाथ है, जिनके एक्शन के डर से अपराधी कांप उठते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में आज बात करेंगे हैवान मोहम्मद जुनैद के एनकाउंटर की, तो चलिए शुरुआत करते हैं। स्कूटी सीख रही युवती से की थी हैवानियत, यूपी में सीएम योगी ने दिए सख्त आदेश। पुलिस और बदमाश के बीच हुई फायरिंग, मोहम्मद जुनैद का पुलिस ने किया एनकाउंटर। दरअसल उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में मोहम्मद जुनैद नाम के एक आरोपी का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया। मुठभेड़ के दौरान जुनैद के चार अन्य साथी फरार होने में सफल रहे, जिनकी तलाश फिलहाल की जा रही है। जुनैद पर अपने दो साथियों संग मिलकर एक लड़की के साथ हैवानियत करने का आरोप है। यह मामला गाजियाबाद जिले के थाना क्षेत्र ट्रोनिका सिटी का है। एसीपी लोनी ने एक बयान में बताया कि 30 नवंबर 2023 को गाजियाबाद के ट्रोनिका सिटी क्षेत्र में एक लड़की के साथ हैवानियत का मामला दर्ज हुआ था। इस मामले में पुलिस टीमों का गठन करके आरोपितों की तलाश की जा रही थी। इसी बीच मुखबिर से सूचना मिली कि ट्रोनिका सिटी क्षेत्र में आने वाले खानपुरा के जंगलों में कुछ संदिग्धों की मौजूदगी है। सूचना के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। वहीं पुलिस के मुताबिक सूचना सही पाई गई। खानपुरा के जंगलों में मौजूद संदिग्धों ने पुलिस को देखते ही गोलीबारी शुरू कर दी। जवाबी और आत्मरक्षा में पुलिस ने भी गोलियां दाग दी। इस गोलीबारी में जुनैद नाम के एक संदिग्ध के पैर में गोली लग गई। गोलीबारी के बीच जुनैद के बाकी साथी वहां से भाग निकले। पुलिस ने जुनैद को अस्पताल में भर्ती करवाया और पूछताछ की। पूछताछ में जुनैद ने 30 नवंबर को ट्रोनिका सिटी थाने में हुई हैवानियत की घटना में अपनी संलिप्तता को पूरी तरह से कबूल कर लिया। दिनांक 30 नवंबर 2023 को गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट के थाना ट्रोनिका सिटी में हुई एक जघन्य घटना, जिसमें कि तीन व्यक्तियों द्वारा एक महिला पीड़िता के साथ में गैंग रेप की घटना को अंजाम दिया गया था। उस घटना का संज्ञान लेते ही तत्काल अभियोग पंजीकृत कराया गया था व जो उसमें अभियुक्त सम्मिलित थे उनकी गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन करके और निरंतर प्रयास किए जा रहे थे। इसी क्रम में थाना ट्रोनिका सिटी पर मुखबिर की एक सूचना प्राप्त हुई कि खानपुरा के जंगलात का जो क्षेत्र है वहां पर कुछ संदिग्ध व्यक्ति देखे गए हैं और वो बैठे हैं वहां पर। ये सूचना मिलते ही जो हमारी पुलिस टीम थी वो तत्काल थाना अध्यक्ष और सभी वहां पर पहुंचे और पुलिस की टीम को देखते ही जो वहां पर संदिग्ध व्यक्ति थे उन्होंने पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग स्टार्ट कर दी और इसके जवाबी क्रम में जो हमारी पुलिस टीम थी उसको भी अपने बचाव में फायरिंग करनी पड़ी और जिसमें कि एक जो उसमें व्यक्ति था जिसका नाम जुनैद है उसके पैर में गोली लगी है और उसे तत्काल ही प्राथमिक उपचार के लिए भिजवाया गया है और उससे जो जानकारी इस बीच में प्राप्त की गई उसमें ये पता चला है कि उसने पूरी घटना किस प्रकार से कारित की। जो उसने बताया है कि 30 नवंबर को वो और उसके दो अन्य साथी ने पीड़िता के साथ में इसी जंगलात के क्षेत्र में गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया और जो उसके दो अन्य साथी थे वो उस पीड़िता की जो मित्र थी उसके साथ में घटना को अंजाम देने वाले थे, फिर किंतु तभी वहां पर एक प्राइवेट कार के आ जाने के नाते वो वहां डर गए और वहां से भाग गए।
एसीपी ने बताया कि जुनैद ने कबूल किया है कि उसने अपने दो अन्य साथियों के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। वही जुनैद के साथ दो अन्य साथी भी घटना स्थल पर थे। ये पीड़िता की सहेली के साथ भी अपनी घिनौनी हरकत को अंजाम देना चाहते थे, लेकिन इस बीच प्राइवेट कार आ जाने के चलते दोनों अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए और डर से वहां से भाग निकले। वहीं पुलिस टीमें जुनैद के बयान में सामने आए चार अन्य फरार आरोपियों की तलाश में जुटी। बता दें कि यह मामला 30 नवंबर का बताया जा रहा है। तब दिल्ली की रहने वाली एक युवती ने गाजियाबाद पुलिस को अपने साथ हुए हैवानियत की सूचना दी। पीड़िता ने बताया कि वो गाजियाबाद के ट्रोनिका सिटी स्थित एक फैक्ट्री में नौकरी करती है। घटना के दिन पीड़िता की सहेली अपने एक पुरुष साथी के साथ स्कूटी सीखने के लिए एक सुनसान सड़क पर गई थी। पीड़िता भी इनके साथ चली गई। इसी दौरान ऑटो से कुछ लोग उतरे और उन्होंने पीड़िता को झाड़ियों में ले जाकर घिनौनी हरकत को अंजाम दिया। पुलिस ने इस मामले में पीड़िता की सहेली के पुरुष मित्र से भी पूछताछ की। दिनांक 30/11/2023 को थाना चौनिका सिटी पर एक बालिक पीड़िता 23 वर्षीय उम्र जो कि दिल्ली की रहने वाली हैं, उनके द्वारा सूचना दी गई और उनके द्वारा घटनाक्रम बताया गया। घटनाक्रम इस प्रकार से बताया गया कि पीड़िता के साथ की ही एक उनके घनिष्ठ मित्र जो कि साथ में ही दिल्ली में रहती हैं और इनके साथ में ही इनके फैक्ट्री में काम करती हैं, उसने 4 दिन पूर्व नई स्कूटी खरीदी थी। उस स्कूटी को अच्छे से सीखने के लिए उसने अपना एक पुरुष मित्र भी 30/11/2023 की शाम को बुला रखा था। इसके पश्चात ये तीनों लोग जिसमें पीड़िता, इसकी महिला मित्र एवं पुरुष मित्र, ये स्कूटी लेकर के एक सुनसान रोड पर गए। इसके बाद पीड़िता का बताना है कि वहाँ पे 3 अज्ञात लड़के आए, जिसमें से एक लड़के ने पीड़िता के साथ गलत कार्य किया, उसके पश्चात दूसरे लड़के ने उसके साथ गलत कार्य किया। इस घटनाक्रम के दौरान इसके महिला मित्र एवं जो पुरुष मित्र थे वो वहाँ पर उपस्थित थे। उनके साथ किसी भी प्रकार की कोई मारपीट का होना या किसी घटनाक्रम का होना प्रकाश में नहीं आया, ना इनके द्वारा बताया गया है। तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया, पीड़िता का मेडिकल कराया गया। इसके पश्चात जो भी इनके द्वारा तथ्य और जो भी इनके द्वारा फैक्ट्स बताए गए थे उसके आधार पर विवेचना प्रारंभ की गई। एक संदिग्ध व्यक्ति की चित्र की पहचान पीड़िता के द्वारा की गई, जो कि इनके साथ ही जो पुरुष मित्र था, उपस्थित पुरुष मित्र था, उनका ही ये परिचित है। इसके साथ साथ जो अन्य तथ्य बताए गए हैं उसके आधार पर 3 अन्य संदिग्ध लोगों की हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है। साथ ही पीड़िता के साथ उपस्थित वहाँ इसके महिला मित्र एवं जो इसके पुरुष मित्र थे उनकी क्या भूमिका रही है उसकी भी बड़ी गहनता से पुलिस के द्वारा पूछताछ की जा रही है। इसमें जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर और सभी साइंटिफिक एविडेंसेस के आधार पर घटना का अतिशीघ्र अनावरण किया जाएगा और जो भी इसमें विधिक कार्रवाई अपेक्षित है वो पूर्ण की जाएगी। जानकारी के अनुसार आरोपितों में एक ऑटो चालक भी बताया जा रहा है। पुलिस घटना में प्रयोग हुए ऑटो की तलाश भी कर रही है और बाकी के 4 आरोपितों को भी दबोचने के लिए पुलिस एक्टिव मोड में है। यूपी में ये कोई पहली घटना नहीं है जहां ऐसे दरिंदों को अपने किए की सजा मिल रही हो। इससे पहले भी कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। बता दें कि अंबेडकर नगर के हीरापुर बाजार में छात्रा का दुपट्टा खींचने का मामला सामने आया था। इस मामले में मनचलों ने दुपट्टा खींचने का विरोध करने वाली छात्रा पर बाइक ही चढ़ा दी थी। इस घटना के बाद मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ था। वहीं कार्यवाही के दौरान बदमाशों ने सिपाही की राइफल छीनने की कोशिश की। वे राइफल की नोक पर पुलिस को रखकर फरार होने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान पुलिस ने उन पर निशाना लगा दिया और मनचलों के फरार होने का ख्वाब भी मिट्टी में बल गया। वह एनकाउंटर में 2 मनचलों को गोली लग गई। दोनों घायल आरोपियों को इलाज के लिए अस्पताल में फिर से भर्ती कराया गया था। जानकारी के अनुसार मनचलों की दहशत पिछले दिनों काफी बढ़ गई थी। इसको लेकर अंबेडकर नगर पुलिस निशाने पर आ गई थी। वहीं कार्यवाही के बाद मनचलों के मन में पुलिस प्रशासन का डर साफ तौर पर दिखने लगा था। इतना ही नहीं, अयोध्या के सरयू एक्सप्रेस में महिला कांस्टेबल पर जानलेवा हमले में शामिल मुख्य आरोपी को भी पुलिस और UPSTF ने मुठभेड़ में मार गिराया। अयोध्या के पूरा कलंदर में मुख्य आरोपी अनीस को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक अनीस क्रॉस फायरिंग में मारा गया।
बता दें कि एनकाउंटर में ढेर मुख्य आरोपी अनीश महिला कांस्टेबल से ट्रेन में छिड़खानी कर रहा था। महिला सिपाही ने जब बदमाश को पटक दिया तो तीनों बदमाशों ने महिला पर जानलेवा हमला कर दिया और उसके चेहरे को पूरी तरह से लहूलुहान कर दिया। बदमाशों ने ट्रेन की खिड़की पर महिला का सिर पटक दिया था जिससे वो बुरी तरह से जख्मी हो गई थी। अयोध्या स्टेशन आने से पहले ट्रेन धीमी हुई तो तीनों बदमाश मौके से फरार हो गए। महिला सिपाही से इस दरिंदगी के बाद यूपी एसटीएफ और अयोध्या पुलिस ने महिला कांस्टेबल पर जानलेवा हमला करने वाले एक बदमाश को मार गिराया जबकि दो अन्य को गिरफ्तार किया गया। इस मामले की गंभीरता आप इसी बात से समझ सकते हैं कि महिला कांस्टेबल पर हुए इस हमले को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस पर स्वतः संज्ञान लिया था। इस मामले की स्पेशल सुनवाई के लिए रात में अदालत खुली और जज ने घर पे ही बेंच बिठा दी थी। इसके बाद रेलवे और सरकार से कोर्ट ने सख्त सवाल पूछे और कार्यवाही की जानकारी देने को कहा जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए अपराधी को ढेर कर दिया था। तो लगातार कई ऐसी खबर यूपी से सामने आती है जहां बेटियों के साथ हैवानियत करने वाले हैवानों को कड़ी सजा मिलती है और इस मामले में अब यूपी पुलिस काफी सख्त हो गई है। पर्दाफाश में फिलहाल के लिए इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। हमारे व्रत, हमारी परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा, हमारे छठ से और हमारे हट से पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है, क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं जब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती, क्योंकि हम बिहार से हैं। कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहा हूं बिहार पर एक ब्रांड न्यू स्पेशल शो, हम बिहार से हैं।